मैं शोभना नारायण हूँ, कथक की नृत्यांगना। मेरी प्रेम कहानी साड़ियों के साथ बहुत जल्दी शुरू हुए। जब मैं शायद 15.5-16 साल की थी, तब उस वक्त हमारे गुरु पंडित बिरजू महाराज जी ने कहा, तुम साड़ी पहन के रियाज़ किया करो ताकि मैं देख सकूं कि कितना तुम झुक रही हो, नहीं झुक रही हो। उसके पहले तो मैं सलवार कुर्ता पहनती थी, तो तब मैंने शुरू किया साड़ी पहनना और फिर आदत सी बन गई। घर में तो वैसे भी माँ साड़ी पहनती थी हमेशा, खादी की साड़ियाँ, और तो तब से आदत पड़ गई। और अब तो मुझे साड़ी मेरे अंग का हिस्सा ही बन गया है। और मैं कुछ भी करूं, रोज़ाने दिनचर्या है वो भी मैं साड़ी में करती हूँ, सिखाना है साड़ी में करती हूँ, बाहर फॉर्मल ओकेजन्स में जाती हूँ तो साड़ी में, यहाँ तक कि सिर्फ मेरे हस्बैंड जो ऑस्ट्रिया के राजदूत थे अलग अलग जगह, जब उनका राष्ट्रीय डे होता था, नेशनल डे, तब मैं उनकी डैंडल पहनती थी, लेकिन बाकी जितने भी उनके फॉर्मल फंक्शंस थे मैं हमेशा साड़ी में दिखती थी। तो साड़ी की तरह ऐसा खूबसूरत और ग्रेसफुल पहनावा मैंने नहीं देखा है। उसमें बहुत ही लावण्यता है, उसमें एक एक प्यार है, एक ज़िंदगी जीने का एक चाह है कि आप एक कपड़े को ही, अगर आप उसके दर्शन शास्त्र भी देख लें, अगर उस पहलू से भी देखें, तो एक कपड़ा उसको कई ढंग से आप उसको और उसको आपके आवरण को बना देते हैं। और लज्जा का भी स्वरूप है, वो एक अपने शक्ति का भी स्वरूप है। हर चीज़ में वो अपनी एक एक अपनी पहचान देती है। और मेरे लिए तो साड़ी अत्यंत खूबसूरत है और निरंतर वो बहाव है, जिस तरह से गंगा की बहाव चली आ रही है, वो साड़ी की लहराती हुई बहाव वो आज तक चली आ रही है। यहाँ तक कि कई हज़ार वर्ष पहले से वो पहनावा हमारे साथ है, क्योंकि अगर मैं शिल्पकारी भी देखूं, स्कल्पचर्स भी देखूं, तो आपको गुप्त पीरियड के काफ़ी मिलते हैं, शुंग पीरियड में भी मिलते हैं, और आज तक वो चली आ रही है। उसमें शुद्धता भी है, उसमें सब कुछ है। माँ के लिए वो एक, कवि के लिए वो एक रोमांस है, माँ के लिए बच्चे को रखने के लिए है, बच्चे के लिए माँ का पल्लू पकड़ के वो एक अम्बिलिकल कॉर्ड का भी काम करता है, बच्चे के लिए वो एक छांव है, माँ की छाया है, और महिला के लिए भी धूप से बचने का तरीका भी है, छत्र छाया है। काम करने के वक्त वो एक मन में ठान लेने कर, जिस तरह से हम कस के कमर पर कस के बांध लेते हैं, तो एक निष्ठा भी दिखती है, एक शक्ति दिखती है। और न और तो हो ना हो, तौलिए का भी काम कर लेता है हमारे पल्लू, तो फिर वो सिर्फ माँ के लिए नहीं, वो पूरे घर भर के बच्चों के लिए। और तो कई उसके गुण हैं और कई इस्तेमाल है, लेकिन बहरहाल उसकी में उसके अंदर जो छिपी उसकी आत्मा है, उसमें वो लावण्यता है, वो प्यार है, वो संस्कार है, उसकी डिज़ाइनिंग, उसकी वीव्स में किस तरह की कारीगरी है, वो हमारे भारतीय जीवन और दर्शन शास्त्र के ललित कलाओं का हर एक शिल्प कला, क्योंकि हम उसको एक डिज़ाइनिंग भी दे रहे हैं, वो क्राफ्ट्समैनशिप का स्किल, वो हुनर, उसका भी एक प्रतीक है।
किस तरह से हम जरीदार काम करते हैं, क्या डिज़ाइनिंग है, वो अपनी कहानी कह रही है, वो एक चित्र भी है क्योंकि उस अपने पल्लू के द्वारा वो एक अपनी कहानी भी कहती है, इतिहास भी लिखती है। तो हर किस्म से हमारे लिए साड़ी बहुत कुछ मैसेज लेकर आती है। सिर्फ है कि हमें देखना चाहिए, हमारे नज़रों को वो देखना है कि किस तरह से उस संदेश को हम पढ़ते हैं, देखते हैं और उससे सीख लेते हैं।